लॉन पेयर हैं, नो प्रॉब्लम। मेथिलेमीन में CH3 लॉन पेयर है। ठीक, डिफरेंट कहाँ पर आ रहा है? आपको दोनों फॉर्मूला एक अमोनिया का लिखा हुआ है और एक मेथिलेमीन का लिखा हुआ है। अंतर कहाँ पर है? दोनों फॉर्मूले डिफरेंट कहाँ पर है? देखो, यहाँ पर ऑल हाइड्रोजन आर सेम। नाइट्रोजन से जुड़े हुए तीनों जो ग्रुप हैं वो हाइड्रोजन हैं, या नाइट्रोजन से जुड़े दो ग्रुप तो हाइड्रोजन हो गए, तीसरा कौन सा? मैथिल है। ये यहाँ यहाँ ही अंतर है बस। और ये कौन है? प्लस आई इफेक्ट। ये मैथिल ग्रुप क्या है? प्लस आई इफेक्ट दर्शाने वाला ग्रुप है। तो ये ग्रुप क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेथिल टू नाइट्रोजन हो जाएगा। अब इससे पहले हम देखें, यहाँ पर कोई भी माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट वाला जुड़ा ही नहीं है। हाँ जी, अब क्षार कैसे कहते हैं, थोड़ा इस पर फोकस कर लेते हैं, दो लाइन इस पर बोल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लुईस, लुईस के अनुसार क्षार वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं? त्यागते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और वह क्षार जो जल्दी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग देगा वह उतना ही प्रबल हो जाएगा। भाई किसी से कहा आपने पानी भरो एक गिलास, उसने उसके छोटे भाई को बोल दिया तू पानी भर भाई, काम आसान नहीं हुआ। हमने कहा किसी पानी भर तो उसने तुरंत पानी पिला दिया हमें, तो हम कहेंगे वो वफादार व्यक्ति है, तुरंत काम कर देता है। तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति है, मेथिलेमीन और अमोनिया में से दोनों क्षारीय तो हैं, ये तो क्लियर है, क्षारीय तो हैं दोनों, क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए तैयार हैं। बट कौन सा आसानी देगा इलेक्ट्रॉन पेयर, पहले कौन सा देगा वो ज़्यादा क्षारीय कहलाएगा। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ये मैथिल बोल रहा है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ऑलरेडी पहले से ही, लेकिन इसके पास से इलेक्ट्रॉन और जा रहे हैं नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गया, और बढ़ गया तो इसने आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर दे देगा, डोनेट कर देगा, रिलीज कर देगा, और जबकि यहाँ पर तो भैया सारे सारे हाइड्रोजन है एक जैसे ही है, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने वाली बिल्कुल नहीं है, जो है जो यही है। तो इसकी तुलना में मेथिलेमीन का नाइट्रोजन लोन पेयर ईजीली दे देगा, ईजीली डोनेट कर देगा, तो मेथिलेमीन मोर बेसिक नेचर फ्रॉम अमोनिया। तो हम क्या कर देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, क्षारीयता का बढ़ता क्रम, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ा तो अम्लीयता घटी, और या प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो क्षारीयता बढ़ जाएगी, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज और बेसिसिटी इंक्रीज, क्यों? रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वो ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की दर बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागना वही क्षारीय है। तो ये वहाँ पर हम क्लियर करवा चुके हैं, प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव एंड देयर एग्जाम्पल, इन दोनों के एग्जाम्पल हम करवा चुके हैं, और ये एग्जाम्पल आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, और यहाँ पर बहुत क्लियर है, ध्यान देना, आप मेहनत करो, आगे बढ़ो, आने वाला भविष्य आपका है, अपने आप को लगातार आत्मचिंतन करते रहो, और ये ही जीवन है। और यहाँ पर जो विद्यार्थी सोचता है कि नहीं मेरे से ये नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, वो गलत सोचता है।
आप सीखो, पढ़ो, आगे बढ़ो। और एनी डाउट प्लीज कॉन्टैक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डायरेक्ट कॉलेज में आकर भी आप आपके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। लेकिन आप आगे पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और हमेशा अच्छी परसेंटेज बनाते रहें, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। और आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और हंसते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।